बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल लाइन, जब किसी तीन हिस्सों से मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या फॉर्म आती है। फर्स्ट वन, ये आखिरी हिस्से से एक काम कर लें, डबल टू वन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाले हिस्से से नाइन, सेकंड से भी नाइन और थर्ड से टेन। फर्स्ट से नाइन लेस किया तो सेवन, सेकंड से नाइन लेस किया तो सेवन, थर्ड से टेन लेस किया तो एट। इसी तरह इसमें भी ऐसे 242 है तो ये बन जाएगा 241। आज हम डिस्कस कर रहे हैं तीन वर्ड्स को, कल हमने डिस्कस किया था टू वर्ड्स को, तो लिहाजा देखिए 241 आ गया। फर्स्ट में से नाइन लेस किया तो सेवन, सेकंड में भी नाइन लेस करेंगे तो फाइव, थर्ड में भी नाइन लेस करेंगे तो टेन लेस करेंगे थर्ड में से तो एट है। इसी तरह ये 247 और फर्स्ट में से नाइन लेस किया तो सेवन, 248 है ना क्योंकि फर्स्ट नाइन में से टू लेस किया तो सेवन, फोर में से नाइन लेस किया तो फाइव, टेन में से एट लेस किया तो टू, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए दो वर्ड आ गए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस है, तो इस सिलसिले में आप इसके ऊपर प्री डिफाइंड जीरो लगा लें, प्री डिफाइंड जीरो लगा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख लें 20243, ठीक है। फर्स्ट में से टू और थ्री लिखे, इसमें से जीरो में से नाइन लेस किया तो नाइन ही आएगा, फिर क्या आएगा सेवन आएगा, और फिर इसमें से टेन में से फोर गया तो सिक्स आएगा। इसी तरह ये भी क्योंकि डबल डिजिट है और यहाँ पे थ्री डिजिट है तो यहाँ पे जीरो प्री डिफाइन कर लें आप, 33 लिखे, देन जीरो में से नाइन लेस किए तो नाइन, नाइन में से थ्री लेस किए तो सिक्स, और नाइन टेन में से फोर लेस किए तो सिक्स। ले जी, ये आज का वीडियो।